ये अपकमिंग जो रिलीज है जीत सर का, उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है कि इट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फॉर द ईयर 2024 इन बंगाली सिनेमा. ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि इसका जो पोस्टर हम लोगों ने रिसेंटली देखा है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. देखिए, बूमरैंग के बारे में हम काफी दिनों से बात कर रहे थे आपके साथ. आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोगों ने काफी सारे प्रीवियस जितने भी टीजर या ट्रेलर रिएक्शन किए हैं फ्रॉम द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, उसमें हम लोगों ने ये मेंशन किया है कि हम लोग बूमरैंग के टीजर या कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द. टीजर इज हियर. और अगर करंट न्यूज अगर हम कहें मिर्जा के बारे में, इट हैज बीन एक्सट्रीमली वंडरफुल द परफॉर्मेंस, एंड जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे मिर्जा परफॉर्म कर रही है और काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, तो ये होना ही था. क्योंकि जैसे कहा जाता है, उस फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं सुमित एंड साहिल आई बिलीव, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. एंड यहाँ पे एक बात है गाइस, के रिसेंटली हमने देखा कि बूमरैंग का जो टीजर निकला है तो वहां पे उसने अच्छे खासे व्यूज गार्नर किए हैं और इंटरनेट में ट्रेंडिंग भी है. मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, तो मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है. क्योंकि बूमरैंग के बारे में अगर बात करें तो एक छोटा सा हमें ऐसा समरी, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये AI बेस्ड ऐसा कुछ हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. पर हाँ, यहाँ पे साइफाई जैसी फील तो आ रही है क्योंकि पोस्टर देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर ऑफ बूमरैंग. पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कॉन्टेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. बिल्कुल. सो लेट्स रिएक्ट. এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন. ওয়াও, নিজেকে প্রমাণ করার লড়াই. হিয়ার ইজ আওয়ার নিউ জেম, মিস্টার সোমারসেন. তো জিনিয়াস না সোমারসেন, ব্রিলিয়েন্ট ব্রেক. এটা সামার বানিয়েছে আর এখন একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট প্রজেক্টে কাজ করছে. সো আমি বলি পাগলা, আই ক্রিয়েট হিস্ট্রি, ইশা আই ক্রিয়েট হিস্ট্রি. আমি নিশা. ও লাভলি, হোয়াট চান্তি চানা করছে. সো ইউ ক্রিয়েটেড রোবট. ইনকে পেলা দে মানে মুচকি হাসি কাটকাটে. স্বপ্ন আর সম্পর্ক জীবনে কোনটা বেশি প্রয়োজন? মত হ্যাঁ, এখন মত বেশি প্রয়োজন. So guys, we reacted on the official teaser for Boomerang. जी हाँ, अगर इसके concept के बारे में अगर बात करें तो well attempted. Yep. It is something Bengali film industry which has it has never thought of or never or explored. Never explored. सोचा ही नहीं होगा अभी तक किसी ने, तो explore करने की बात तो आती ही नहीं है. So जीत को जीत सर को मैं ये एक we would like to congratulate him क्योंकि उन्होंने ये एक effort लिया है ऐसे इस कंटेंट पे, ऐसे कंटेंट पे फिल्म बनाने के लिए. हालांकि मुझे लेट्स बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड क्लियर, बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे जिस तरीके से उसको दिखानी चाहिए वैसे वो दिख नहीं रही है. रिसेंटली जैसे हम लोगों ने बड़ी बातों में ऐसा उलझा दिया, हम लोगों ने देखा हम लोगों को पता चला लुकिंग वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन भी कुछ मैटर करता है. आई नो कि साईफाई फिल्म में हमेशा सीरियस होनी चाहिए, ऐसा कोई कहीं पे कोई कंफर्म बात नहीं है कि साईफाई कैन टर्न आउट टू बी, यू कैन मेक इट अ सटायरिकल कॉमेडी, यू कैन मेक इट अ कॉमेडी, यू कैन मेक एन इमोशनल फिल्म. और हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड हर ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करके वो अचीव कर चुकी है. लेकिन अगर साईफाई कॉमेडी के बारे में बात करें, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो एक्सपर्टीज होना जरूरी है. और शायद ये पहली अटेम्प्ट है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से. सो वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस अटेम्प्ट बाय जीत सर. या अगर हमारे ओपिनियन के बारे में गाइस अगर बात करें स्पेसिफिकली विद दिस जॉनरा और कह सकते हैं कि साईफाई कॉमेडी के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने जब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के उस कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्ट किया था, तब हमने भी अपना वहां पे ओपिनियन दिया था कि
हाँ ये अच्छा है, ये एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया है इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ही रिसेंट टाइम में, पर हम ज्यादा उसके फैन भी नहीं है। हमने ये भी कहा था कि इस तरह की फिल्में ज्यादातर कॉमेडी बनती तो है पर उसका रिजल्ट उतना अच्छा निकल के नहीं आता है। और यहाँ पे सेम थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा ओपिनियन सेम रहेगा बूमरैंग के टीजर के साथ। मैं यहाँ पे कुछ अलग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि एआई यहाँ पे कुछ थोड़ी तरह से, यहाँ पे अगर साईफाई दिखाया जा रहा है, एआई दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ और होता। एंड जब ये टीजर शुरू हुआ, जो वो जो बाइक का जो सीन था, वो मुझे पहला दो तीन शॉट मुझे काफी अच्छा लगा। एंड मुझे लगा ऐसा कि जीत सर यहाँ पे कुछ विजलान का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा सुपर हीरो का प्ले कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और एआई के साथ उनका कुछ यू नो साइंटिफिक चीजें कुछ यहाँ पे लेना देना होगा। पर जब रुक्मिणी को मैंने एज अ रोबोट देखा, तभी मैं समझ गया कि नो ये वैसा नहीं है। टॉलीवुड में इस तरह के किसी ने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं किया या फिर प्रेजेंट नहीं किया, ये अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक साईफाई कॉमेडी फिल्म है। एंड बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि रजनीकांत की रोबोट जो फिल्म है उसके साथ वो थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि रोबोट को जिस तरह से वो बनाते हैं। एंड फर्स्ट हाफ फिल्म का जो फर्स्ट हाफ रहता है रोबोट का, वो जिस तरह से किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है और डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में किस तरह से वो ब्लंडर्स क्रिएट करता है, उसके साथ वो कॉमेडी बन जाती है। सो वी सी दैट यहाँ पे टीजर पे वो हमें दिख गया है वो सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे एक चीज है गाइस कि कुछ कुछ शॉट्स मैंने देखे जो VFX के थे या फिर जिस तरह से दिखाया जा रहा है, न्यू फॉर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। बंगाली फिल्म पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं कोई सीरियल का कोई प्रोमो देख रहा हूँ, कोई टीवी सीरियल का जो प्रोमो होता है ना, उसी तरह से मुझे नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक फिल्म का टीजर है। सीरियसली ये मेरा एक ओपिनियन है, आप शायद मुझसे डिसएग्री करते होंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मूव मिसिंग, कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग लग रही है। गाइस बी लेट्स बी वेरी सीरियस, बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे फैंस हैं जो आके हमें गाली देंगे कि तुम्हें फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता, जीता को सपोर्ट नहीं करते हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ये ही चीज हुई थी हम लोगों के साथ पृथ्वीराज चौहान के वक्त। बड़े फैन आए थे अक्षय सर के, कहा कि तुम्हें घंटा पता नहीं है, ये फिल्म हिट नहीं होगी। मैंने बताया, हमें जो बताना था हमने बताया कि अल्टीमेटली आपको जाके फिल्म देखनी होगी, आप कितने बड़े सपोर्टर हो वो दिख जाएगा, बॉक्स ऑफिस में दिख जाएगा, वो दिख गया। हम यहाँ पे इस तरह के एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऐसा कुछ दिखाओ जो किसी रीजनल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने वो ट्राई नहीं किया, जो कांतारा ने किया था, जो एग्जैक्टली जो किसी ऐसे एक मुझे किसी जगह से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही पहले बनाऊंगा तो मैं इतनी बढ़िया बनाऊंगा कि वैसे कोई भी किसी ने नहीं बनाया। मजाक की बात तो ये हो गई है गाइस कि बूमरैंग और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बस 2-3 महीनों का फर्क है। वहां पे हिंदी ऑडियंस ने भी इस तरह की फिल्में देखी और बंगाली में भी निकल रही है, तो यहाँ पे कुछ नयापन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अटेम्प्ट को हम सलूट करते हैं, कोशिश को हम यहाँ पे सराहते हैं कि उन्होंने ये कोशिश की। एग्जीक्यूशन के मामले में गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग नजर आ रही है। अब तो ट्रेलर देखना पड़ेगा, यहाँ पे आइडिया तो मिल गया है कि ये फिल्म किसके बारे में है, कॉन्सेप्ट क्या है, और ट्रेलर देखना पड़ेगा कि ट्रेलर में हमें कुछ कुछ ऐसे शॉट्स देखने को मिल जाए या फिर ये जो मेन जो मोटिव है ये कहाँ पे जाती है, ये कहानी किस तरह मुड़ती है, वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर जीत सर ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, पर मेरा जो राय वो वही रहेगा। यहाँ पे ट्रेलर में बाय द वे मैं और बहुत सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है रुक्मिणी परफॉर्मेंस रुक्मिणी मैत्रा जी वो पहली बार किसी किरदार का रोल प्ले कर रही है, रोबोट। मुझे और ज्यादा कुछ देखना है ट्रेलर में ताकि पता चले कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। और हो सकता है कि ट्रेलर अगर अच्छी निकल के आती है तो हमारा ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। विजुअल्स, क्योंकि करंटली हम लोग यही चीज बताना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है कि ट्रेलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टीजर से, क्योंकि हालांकि एक एक वक्त पहले, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कंगुआ के टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया था और हमें एक नया अपडेट मिला रिसेंटली फॉर कंगुआ, विच इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ इन टीजर। मुझे कोई रिलेशन ही नहीं है वहां पे। दो टाइमलाइन के बारे में वहां पे बताया जाएगा। फर्स्ट पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो प्री हिस्टोरिक रहेगा, जहां पे वो दिखाया जाएगा कि सूर्य एंड और प्रेजेंट डे भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। पार्ट टू में मुझे लगता है कि उनका एक दूसरा जन्म हुआ है, वहां पे भी दो कैरेक्टर्स हैं, प्रभु सूर्य एंड बॉबी देओल, तो वहां पे ये हमें अपडेट मिला। सो गाइस यहाँ तक जितना भी हमने जीत सर के हमारे चैनल पे जितने भी कॉन्टेंट के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया है, रिव्यू दिया है, अपना ओपिनियन दिया है,
अभी तक के लिए गाइस हमने काफी अच्छा हमने कहा था, हमने ये भी कहा था, वी ऑलवेज हैव बीन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट विद आवर रिव्यू। ऐसा नहीं है कि हम बारे में रावण कह लीजिए मानुष कह लीजिए, वी हैव बीन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ये डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होके एक इंडस्ट्री को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, हम भी वही देखना चाहते हैं, हम अपना फीडबैक देते हैं। हालांकि हम वैसे कोई महान तो है नहीं कि हमारे फीडबैक देके सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन हम ऑडियंस तो है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन हर वक्त यही रहता है गाइस के बंगाली फिल्म कुछ अलग करे, सिमिलर चीजें ना करे। और मैं कहीं कोई भी एंगल से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को कम नहीं आपता हूं, कम नहीं मानता हूं कि वो जो भी कर रही है हाँ यही सही है ऐसा हो जाएगा, नहीं मेरे लिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू सिनेमा फ्रॉम बंगाली इंडस्ट्री, पर यही था, ये कम नहीं हो सकता है। यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ बूमरैंग। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कीजिए एंड अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।